नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्राइवेट स्कूल संचालक बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छोटे हाथी में जानवर की तरह बच्चों को ठूस कर ले जा रहे हैं स्कूल और घर। स्कूल संचालक नियम विरुद्ध लोडर वाहनों में बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। अनारा देवी पब्लिक प्राइवेट स्कूल के बच्चों की छोटे हाथी में सवार वीडियो वायरल हो रही है। अलीगढ़ के अतरौली थाना इलाके के सूरतपुर गाँव का ही पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उरई के राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा और मोदी सरकार को दोबारा जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में जो भी चमत्कार हो रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद अब यहां डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे किसान महिलाओं के हित में काम किया। उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर पलभर करते हुए कहा कि ये चुनावी ध्रुवीकरण का नहीं बल्कि राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच हो रहा है। भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। पाकिस्तान 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 500 सालों बाद रामलला को विराजमान करा दिया गया। इसके अलावा बुंदेलखंड की हस्तशिल्प, मटर और कागज उद्योग को नई पहचान दिलाई है। रायबरेली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बशरावा में एक जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को जिताने की अपील की। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए गठबंधन से दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अपना दल के सभी कार्यकर्ता मिलकर दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव जिताने का काम करेंगे। भूपेश बघेल के उस बयान पर कि राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के रूप में जनता चुनने जा रही है, उन्होंने कहा कि आप लोग बताइए। इस पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भ्रम का कोई इलाज नहीं है। आज देश के अंदर एनडीए गठबंधन की बयार बह रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक लगाने का मन देश की जनता ने बना लिया है। तीसरी बार फिर हमारी सरकार बनने जा रही है। 4 जून को हमारी सरकार बनेगी और ये भ्रम कांग्रेस का टूट जाएगा। पुलिस अधीक्षक बहराइच वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी प्रयागपुर हीरालाल कन्नौजिया के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त, शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराने की दृष्टिगत थाना अध्यक्ष प्रयागपुर कम शंकर चतुर्वेदी पीएसी बल के साथ थाना प्रयागपुर क्षेत्रांतर्गत संवेदनशील बूथों, अति संवेदनशील मतदान केंद्र लखारगी, पुलती तारा और भीड़भाड़ वाले मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई। साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले और शांति व्यवस्था खराब करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में लावारिस शवों को वारिस की तरह अंतिम संस्कार करने वाले समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष धनीराम पैंथर काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि उनकी संस्था कई सालों से कानपुर में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार वारिस की तरह धर्म अनुसार करते हैं, लेकिन इन दिनों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारण कानपुर शहर भैरवघाट स्थित बिजली से चलने वाले शवदाह संस्कार और भागवत दास घाट का शवदाह संस्कार करीब 1 महीने से खराब पड़ा है, जिसके लिए मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर और नगर आयुक्त को लिखे शिकायती पत्र देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, जिससे शहर में मिलने वाले लावारिस शवों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा, जिससे लावारिस मृतकों के शव खराब हो रहे हैं। भगवान दास घाट में एक मशीन सही है, उसे भी 4 बजे के बाद दाह संस्कार का काम शुरू होता है। करीब 5 लावारिस शव पेंडिंग में पड़े थे और दाह संस्कार के लिए पुलिस कमिश्नर ने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। समाज कल्याण समिति संस्था कोरोना काल में हजारों की संख्या में शवों को शव के धर्मानुसार दाह संस्कार करते हुए नजर आए थे। हमीरपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में महोबा जनपद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने 2017 के पहले प्रदेश में सपा बसपा द्वारा की गई लूट को बताते हुए बड़े लड़ैया महोबा वाले की कहावत चरितार्थ पर वोट की मार विपक्ष कर करने की अपील सीएम योगी ने की है। उन्होंने कहा कि अब की बार केंद्र में मोदी की सरकार बनने पर बुंदेलखंड नोएडा की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिससे लोगों का पलायन रुकेगा, साथ ही यहां के लोग रोजगार देने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की बनी तोपे बॉर्डर पर गरज रही हैं और पाकिस्तान की पेंट इससे ढीली हो रही है। गोरखनाथ ने लंबे समय तक यहीं के गोरखगिरी में
तपस्या की थी बाला उदल को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था और इसीलिए भारतीय जनता। गोंडा में गांधी पार्क से टाउन हॉल में बीजेपी की युवा मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी प्रियांशु दत्त द्विवेदी पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। एमएलसी प्रियांशु दत्त द्विवेदी ने मंच से संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला, कहा कि कांग्रेस को चोर और बेईमान बताते हुए लोग विकास की चर्चा करने के बजाय जाति पर चर्चा कर रहे हैं, दलित और मुसलमानों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रियांशु ने गठबंधन के सहयोगी दलों की तुलना लकड़बग्घे से करते हुए कहा कि जब मोदी नाम का शेर मैदान में उतरेगा तो संगठन के ये सहयोगी दल लकड़बग्घे की तरह भाग खड़े होंगे। शहर में भीषण गर्मी के साथ ही पानी का संकट गहराने लगा है। पानी की समस्या को लेकर ऊपरकोट इलाके की रहने वाली दर्जनों महिलाओं का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने हंगामा करते हुए नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि तमाम शिकायतों के बाद भी नगर निगम से जुड़े अफसर पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पानी के दिक्कत लगातार बनी हुई है। स्थानीय बुजुर्ग जमील अहमद का कहना है कि वो ऊपरकोट इलाके के चिराग मोहल्ले में रहने वाले हैं, पिछले काफी दिनों से पानी के लिए परेशान है। घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं, पानी कहाँ से लेकर आए। इस इलाके में जो पानी की पाइपलाइन है उसमें बिल्कुल पानी नहीं आता है, एक पाइप में कभी कभी पानी आता है वो भी चला जाता है, या तो टैंकर से पानी भरते हैं या इलाके में एक समरसेविल लगा हुआ है वहां से भरते हैं। जो पुराने समरसेविल है वो भी खराब हो गया है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि झांसी में आयोजित सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के रोड शो से चुनावी समीकरण बदल गया। रोड शो में जनता का उत्साह ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि मोदी सरकार वापस लौट रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने रोड शो के दौरान जनता से कहा कि समूचा बुंदेलखंड फिर एक बार मोदी सरकार के उद्घोष से गुंजमान है। वहीं उन्होंने कहा कि जब झांसी में बनी तोपे बॉर्डर पर गड़गड़ाती हैं तो पाकिस्तान की पैन गीली होती है। उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार द्वारा चलाई गई जनहित गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा को प्रचंड जीत दिलाने की जनता से अपील की। एक बार फिर कानपुर के जदमऊ की एक टिनरी में आग ने तांडव दिखाया है। हालांकि ट्रेनी कर्मचारी की तत्परता से अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग पर फौरन ही काबू पा लिया गया। अध्यातन फैक्ट्री वालों द्वारा फायर ब्रिगेड विभाग को सूचना दी गई, लेकिन फैक्ट्री में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम होने के कारण आग पर आसानी से काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी राहुल नंदन ने बताया कि अपर इंडिया नामक फैक्ट्री में पेंट की स्प्रे मशीन में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर वो गाड़ी समेत पहुंचे। आग पर पहले ही काबू पाया जा चुका था। कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन हुआ खारिज। नामांकन खारिज होने से भावुक हुए श्याम रंगीला। नामांकन खारिज होने से उन्होंने आरोप लगाया, नामांकन के दौरान शपथ नहीं दिलाई, जानबूझकर नहीं दिलाई शपथ, हमें शपथ के बारे में जानकारी नहीं थी, लोकतंत्र में इसी व्यवस्थाओं को दिखाना ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। श्याम रंगीला ने अपने समर्थकों को जताया आभार। पीएम मोदी का मिमिक्री करते हैं श्याम रंगीला, पीएम मोदी के खिलाफ ही नामांकन करने के लिए उतरे थे। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली स्थित प्रयागीपुर चौराहे पर स्थित ट्रेवल्स की दुकान है, जिसका संचालन प्रतापगढ़ के रहने वाले शैंत प्रताप सिंह करते हैं। मंगलवार को यात्रियों की बुकिंग कर रहे थे, उसी दौरान यहां के रहने वाले दबंग सकलेन उर्फ भल्लू सज्जर अब्बास इरशाद अब्बास अपने साथियों के साथ पहुंचा और शैलेंद्र उसके साथी के साथ मारपीट की। दबंग इतनी कि उन्हें पीटते पीटते बाहर ले आया, धमकी दी कि अगर पुलिस से शिकायत की तो खैर नहीं। फिलहाल घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, इसकी शिकायत दी गई है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को शांत सुरक्षित और निष्पक्ष संपन्न कराने और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी अमेठी और पुलिस अधीक्षक अमेठी अनूप कुमार सिंह द्वारा थाना गौरीगंज पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एसएसबी के साथ कस्बा गौरीगंज में फ्लैग मार्च कर रामजनमानस को शांत सुरक्षित भयमुक्त वातावरण में लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न कराने का संदेश दिया गया और लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने और अफवाहों को फैलाने वाले से रोकने और 20 मई को पांचवें चरण में लोकसभा अमेठी में होने वाले मतदान में डर होकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की बात कही गई। हाल ही में जारी हुए उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर नारसन विकास खंड कार्यालय के परिसर में मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नारसन विकासखंड कार्यालय पहुंचे मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य है, जिसे और निखारने की आवश्यकता है। चारधाम यात्रा के धामों में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के चलते हो रही अवस्था और यात्रियों को परेशानी को देखते हुए चारधाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद किया गया। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 15 और 16 में हरिद्वार और ऋषिकेश सेंटर में बंद कर दिया गया है। सेंटर में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक
रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे। हरिद्वार में शिकुल ग्राउंड में शुल्क रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते गेट को बंद करके वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गेट पर नोटिस लगा दिए गए हैं कि 2 दिन के रजिस्ट्रेशन बंद है। हालांकि यात्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे, जिनको पुलिसकर्मी रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूचना देकर वापस भेज रहे थे। रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो आए तो चारधाम यात्रा जाने के लिए थे, मगर अब 2 दिन क्या करें, कैसे करें। उत्तराखंड पर्यटन विकास द्वारा जनपद के क्रोंच पर्वत में स्थित कार्यकेति स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यटन विभाग उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे, अपर सचिव युकाड़ी शिव शंकर, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और दक्षिण भारत से आए शिवचार्य और गुरुजनों ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे ने कहा कि कार्तिक स्वामी मंदिर में 108 बालमपुरी शंख से पूजा और हवन और दक्षिणवर्ता से स्वामी कार्तिकेय का भव्य जलाभिषेक किया गया। उन्होंने कहा कि भगवान का आशीर्वाद का प्रतीक है कि हम सब यहां पर आज उपस्थित हैं और भगवान का आशीर्वाद हमें तक पहुंच रहा है। पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ग्राम विकास को लेकर केंद्र राज्य सरकार की चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें वार्षिक और मासिक लक्ष्यों को लेकर समीक्षा के साथ आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। बताया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस दौरान प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल गांव का विकास करने के निर्देश CDO द्वारा दिए गए हैं। हमने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ब्लॉक में एटलीस्ट एक ऐसे गांव को चिन्हित करा जाए और उसकी कार्ययोजना तैयार की जाए। उसके बाद एक बार ये कार्ययोजना हमें प्राप्त होती है तो किस तरीके से इस कार्ययोजना के अनुसार आगे कार्य किया जाना है, कहां से उसको वित्त पोषित किया जाना है, इस पर हमारे द्वारा काम किया जाएगा। वर्तमान में सभी ब्लॉकों को एटलीस्ट एक गांव को मॉडल विलेज के रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए हैं। जी, सभी ब्लॉक से समस्त खंड विकास अधिकारी इस बैठक में प्रतिभाग करें। इसके अतिरिक्त सभी अलाइड डिपार्टमेंट्स के भी यहाँ पे अधिकारी उपस्थित रहे। स्मृति ईरानी को लेकर एक बुजुर्ग में गजब का उत्साह है। स्मृति ईरानी और भाजपा का है जबरा फैन। गले में स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी की फोटो पहनकर भाजपा का प्रचार करता है। भाजपा के कामों से खुश होकर लगातार भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहा है। गले में स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी की फोटो लगा रखी है। अमेठी के इस बुजुर्ग का हालिया बना चर्चा का विषय। अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है और अमेठी से तीसरी बार प्रत्याशी है स्मृति ईरानी। कानपुर के अपराधियों को नहीं रहा पुलिस का डर। मामला कानपुर के बरा थाना क्षेत्र का, जहां आधे दर्जन दबंगों ने 2 युवकों को सरेराह जमकर पीटा। उसके बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। दूसरे पर ईंट पत्थर से वार कर दिया, दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। गोविंदनगर निवासी लकी सरदार अपने आधे दर्जन साथियों के साथ बरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सचान गेस्ट हाउस के पर पहुंचा। किसी बात को लेकर दोपक्षीय विवाद हो गया। यहां लकी सरदार नामक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की है। सरकारी एम्बुलेंस 102 में गूंजी किलकारी। महिला ने एम्बुलेंस में बेटी को दिया जन्म। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस से CHC ले जाया जा रहा था। आशा बहू की सूझबूझ से महिला ने एम्बुलेंस में सुरक्षित बेटी को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों की हालत ठीक है। कासगंज जिले के गंजद्वार CHC पर ले जाते समय महिला ने दिया बेटी को जन्म। जिलाधिकारी वीके सिंह की माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान जारी। 12 सचिवों के पूर्व सचिव के अब तक 96 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर 23 मार्च को संजीव पारिया की 36 करोड़ 55 लाख की कुर्की की जा चुके हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई पहले हुई है। आपको बता दें कि पूर्व एसोसिएशन के सचिव 10 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त कर दी गई। पत्नी से झगड़ा कर रहे दबंगों को टोकना युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने युवक को बेरहमी से लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने युवक को घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर मारा। पीड़ित ने थाना पुलिस को देकर तहरीर दी है। सहसावन कोतवाली क्षेत्र के नगर स्थित आकराबाद मोहल्ले का एक पूरा मामला। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक लहरी फिरोजाबाद गांव के रहने वाले 40 वर्षीय रविंद्र पुत्र किशनलाल मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो इसी बीच रविंद्र पर कुछ लोगों ने 5 से 6 लाख रुपए का कर्ज हो गया और जमीन की KCC का भी कर्जा था। मंगलवार को रविंद्र मजदूरी करके आया और रास्ते में कुछ विषाक्त पदार्थ खाकर घर आने पर उसकी हालत बिगड़ी तो परिजनों से मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक रविंद्र को कर्ज वाले काफी परेशान कर रहे थे, इससे आहत होकर रविंद्र ने कदम उठाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया 50,000 का नामी हत्यारा। अलग अलग स्थानों पर वेश बदलकर रहता था। हकीम बनकर लोगों का इलाज करता था। अपनी पत्नी की 7 साल पहले फरसे से काटकर हत्या कर दी थी। बेटी ने FIR दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि यह बेटी मुकदमा लड़ रही थी। बदायूं के दातागंज थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 सालों से फरार था 50,000 का नामी हत्यारा। अभियुक्त दिलशाद उर्फ हकीम जी को SOG टीम और दातागंज पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई से गिरफ्तार किया गया। पिछले 7 वर्षों से एक अभियुक्त हत्या के मामले में फरार चल रहा था। दिनांक 30/4/2017 को थाना कोतवाली पर हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसके संबंध में विवेचना के दौरान शारीरिक विधिक कार्रवाई करने के बाद अपराधी दिलशाद उर्फ हकीम गिरफ्तार नहीं हुआ था। लगातार पुलिस
इसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। दिनांक 15/5/2024 को जनपद बदाम की SOG तथा दाताकंज पुलिस द्वारा अथक प्रयास के बाद अभियुक्त दिलसाद और हकीम को दाताकंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।